आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ जिसका नाम है उल्टा वड़ा पाव। और इस उल्टा वड़ा पाव को हम रगड़ा के साथ सर्व करेंगे, तो ये दोनों ही रेसिपीज़ हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम रगड़ा बनाएंगे और उसके बाद हम उल्टा वड़ा पाव की रेसिपी देखेंगे। तो इस रगड़ा को बनाने के लिए पहले आपको चाहिए 1 कप वाइट पीस यानी कि सफ़ेद मटर। इस सफ़ेद मटर को आप पानी में एक बार पहले वॉश कर लीजिए और फिर आपको इसे एक पतीले में ट्रांसफ़र करना है। और फिर इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है 2 से 3 गिलास पानी। अब इसको ढक कर हमें इन मटर को रात भर भिगो कर रखना है, या फिर आप इसको 6 से 7 घंटे के लिए भिगो कर रख सकते हो। मैंने इन मटर को रात भर भिगो कर रखा हुआ था और अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो मटर है ये पहले से कई ज़्यादा फूल चुके हैं। तो अब इसमें से सारा पानी स्ट्रेन करना है आपको, और ये जो मटर है इसको हम वापस एक बार वॉश करेंगे। और फिर उसके बाद हमें इस मटर को एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करना है। अब इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 बड़ी साइज़ का आलू। ये जो आलू है ये कच्चा ही है जिसके स्किन को मैंने निकाल कर रखा हुआ था। फिर इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच नमक। और फिर इसमें कलर लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 चुटकी टर्मरिक यानी कि हल्दी। अब हमें इसमें पानी ऐड करना है, तो पानी आपको उतना ऐड करना है जितने पानी में ये जो मटर है ये अच्छे से डूब जाए। और फिर इस प्रेशर कुकर को ढक कर हमें इन मटर को हाई फ्लेम पर तकरीबन 7 से 8 सीटी तक पकाना है। चलिए जब तक ये मटर प्रेशर कुक होते हैं तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। तो अब एक पैन में या फिर एक कढ़ाई में आपको लेना है 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच क्यूमिन सीड यानी कि जीरा, और इस जीरा को हम अच्छे से स्प्लैटर होने देंगे। जीरा जब स्प्लैटर हो जाए और उसमें से बहुत ही बढ़िया से खुशबू आना शुरू हो जाए, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 बारीक कटके हुए प्याज यानी कि अनियंस। और इस प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक ये हल्के से सुनहरे यानी कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। प्याज जब हल्के से सुनहरे होने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच अदरक की पेस्ट यानी कि जिंजर पेस्ट। फिर इसमें जाएगा 1/2 छोटी चम्मच गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन की पेस्ट। और अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 से 3 बारीक कटके हुए ग्रीन चिलीज यानी कि हरे मिर्च। आपको इस रगड़ा को कितना तीखा बनाना है उस अनुसार आप हरे मिर्च की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हो। अब इस अदरक लहसुन और हरे मिर्च को हमें मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है ताकि इसका जो भी कच्चापन है वो चला जाए। जब ये अदरक लहसुन और हरे मिर्च भून जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने 2 टमाटर का इस्तेमाल किया हुआ है जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था, और ये टमाटर फटाफट से कुक हो जाए इसलिए हम इसी समय पर इसमें नमक भी ऐड करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपको बहुत सारा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हमने मटर में भी नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। अब इन टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक कि एकदम ही सॉफ्ट और मशी नहीं हो जाते। जब टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट और मशी हो जाए तब अब गैस की फ्लेम को स्लो कर लीजिए क्योंकि अब हम इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो पहले इसमें जाएगा 1/4 छोटी चम्मच हल्दी यानी कि टर्मरिक। फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपको इस रगड़ा को कितना तीखा रखना है उस अनुसार आप लाल मिर्च पाउडर की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि इस रगड़ा का बहुत ही बढ़िया सा कलर आ पाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर यानी कि कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर। अब बस इन मसालों को हमें मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है ताकि इसका जो भी कच्चापन है वो चला जाए। इन मसालों के साथ साथ हमें गरम मसाला का भी इस्तेमाल करना है, लेकिन गरम मसाला को हम सबसे आखिर में ऐड करेंगे क्योंकि उसको पकने के लिए उतना टाइम नहीं लगता। चलिए हमारे जो मसाले हैं ये अब अच्छी तरीके से पक चुके हैं, और अब जो मटर और आलू हमने प्रेशर कुक किए हुए थे वो भी अब अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो इस मटर को और आलू को भी हम हमारी कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे, और बस फिर हम इन सारी चीज़ों को एक बार मिक्स करना है। और अब ये जो आलू है इसको आप चाहो तो इस तरह से मैश भी कर सकते हो। आलू को मैश करने से इस रगड़ा में एक काफ़ी बढ़िया सा गाढ़ापन आएगा। आपको इस रगड़ा को कितना गाढ़ा या फिर कितना पतला रखना है उस अनुसार आप इसमें पानी डाल सकते हो। अब सबसे आखिर में हमें इसमें ऐड करना है 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, और फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया, और बस फिर हमें इनको एक बार मिक्स करना है। आप चाहो तो इस रगड़ा में थोड़े से नींबू का जूस डाल सकते हो। तो ये मैंने 1/2 नींबू लिया हुआ है जिसका जूस निकाल कर मैं इस रगड़ा में ऐड कर रहा हूँ। चलिए हमारा ये बहुत ही बढ़िया सा रगड़ा बनकर रेडी हो चुका है, तो अब हम उल्टा वड़ा पाव बनाएंगे। तो इस उल्टा वड़ा पाव को बनाने के लिए पहले हम इसके लिए एक बैटर रेडी करेंगे। तो इस बैटर को बनाने के लिए आपको लेना है 2 कप बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच टर्मरिक यानी कि हल्दी। फिर इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करना ऑप्शनल है, आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। और फिर इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच नमक। और अब सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे 1-2 चुटकी बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा।
बस इन सभी चीज़ों को हम एक बार मिक्स करेंगे और फिर हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसका हम एक बैटर यानी कि घोल रेडी करेंगे। शुरू शुरू में आपको एकदम ही कम पानी का इस्तेमाल करना है। अगर आप बहुत सारा पानी एक साथ डाल दोगे तो फिर जो बैटर है इसमें लम्स यानी कि गुठलियाँ पड़ जाएगी और फिर इन गुठलियों को तोड़ने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और इसको लगातार चलाते रहिए ताकि इसमें लम्स ना पड़ जाए। जब आपका बैटर एकदम ही स्मूथ हो जाए उसी के बाद आप इसमें और पानी ऐड करिए और इसका आपको एक सेमी थिक बैटर रेडी करना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो बैटर है ये रेडी हो चुका है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है यानी कि इसका जो गाढ़ापन है ये बिल्कुल इस प्रकार का होना चाहिए। तो अब इस बैटर को ढक कर आपको ऐसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है और जब तक हमारा ये बैटर रेस्ट करता है तब तक हम इसके लिए स्टफिंग रेडी करेंगे। तो स्टफिंग को बनाने के लिए आपको एक पैन में या फिर एक कढ़ाई में लेना है 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हमें इसमें ऐड करना है 1 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड यानी कि राय और इस राय को हम अच्छी तरीके से स्प्लटर होने देंगे। राय जब स्प्लटर हो जाए तब आप गैस की फ्लेम को स्लो कर लीजिए और उसी के बाद आपको इसमें ऐड करना है थोड़े से करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता, फिर इसमें जाएगा 1/4 छोटी चम्मच हींग यानी कि एसाफोटिडा और अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 बड़ी चम्मच गार्लिक चिली पेस्ट यानी कि लहसुन और हरे मिर्च की पेस्ट। इस रेसिपी में हम बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल नहीं करने वाले तो इसीलिए आपको इसमें लहसुन और हरे मिर्च की पेस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि उसका बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ पाए। अब इसको मीडियम फ्लेम पर या स्लो फ्लेम पर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इस पेस्ट का जो भी कच्चापन है वो चला जाए। जब लहसुन और हरे मिर्च की पेस्ट अच्छे से सौते हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच टर्मरिक यानी कि हल्दी। बस इसके अलावा हम इसमें और कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं करने वाले, लेकिन यदि आप चाहो तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाले का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इस स्टफिंग को एकदम सिंपल रख रहा हूँ, कुछ चीज़ें जितनी सिंपल होती है उतनी ही टेस्टी बनती है। अब इस हल्दी को हमें कुछ देर तक भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। अब मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं 5 से 6 उबले हुए आलू और इन आलूओं को मैंने पहले से मैश करके रखा हुआ था। आप चाहो तो इसमें उबले हुए आलूओं को ग्रेट करके डाल सकते हो ताकि आलू के कोई भी बड़े बड़े टुकड़े ना रह जाए। अब इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, तो मैंने इसमें 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है और बस हमें इन सारी चीज़ों को एक बार मिक्स करना है। चलिए अपना ये जो स्टफिंग है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तब सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया। आप चाहो तो इसी के साथ इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस भी डाल सकते हो। चलिए हमारा ये बहुत ही बढ़िया सा स्टफिंग बनकर रेडी हो चुका है, तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और स्टफिंग को आपको पूरी तरीके से ठंडा होने देना है और जब तक ये स्टफिंग ठंडा होता है तब तक आपको लेने हैं 7 से 8 पाव और इस पाव को आपको इस तरह से बीच में से डिवाइड करना है। इसी तरह से मैंने सारे पाव को पीसेस में कट कर लिया है, तो अब जो स्टफिंग हमने बनाकर रेडी किया हुआ था उस स्टफिंग को हमें इस पाव के ऊपर हर तरफ इवनली स्प्रेड करना है। आपको इसमें कितना स्टफिंग ऐड करना है ये आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने इसमें तकरीबन 2 बड़ी चम्मच स्टफिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सभी पाव के ऊपर इसी तरह से स्टफिंग को स्प्रेड करना है। अब इस स्टफिंग के ऊपर मैं ऐड कर रहा हूँ थोड़ी सी वड़ा पाव की तीखी चटनी। इस चटनी को हम स्टफिंग के ऊपर इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये चटनी इसमें अच्छे से चिपक जाए। अब मैंने मेरी कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है और जब तेल मीडियम गरम हो जाए उसके बाद हम इस पाव को इस बैटर में अच्छे से डिप करेंगे और इस पाव और स्टफिंग को हमें इस बैटर में हर तरफ से इवनली कोट करना है। यदि आपका बैटर बहुत ही पतला होगा ना तो ये जो पाव है ये ठीक से कोट नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। आपकी कढ़ाई में एक साथ जितने पाव आ सकते हैं उतनों को आप एक साथ फ्राई कर सकते हो। बस एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो तेल का तापमान है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। यदि आपका तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा तो फिर ये जो वड़ा पाव है ये फटाफट से ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर से बेसन कच्चा रह जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब आपको उसको मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन और हल्का सा क्रिस्पी नहीं हो जाता और इसको अच्छी तरीके से फ्राई होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लग सकती है, तो बीच बीच में आप इसको पलटते भी रहिएगा। चलिए ये जो उल्टा वड़ा पाव है ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। आप चाहो तो इनको एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल सकते हो ताकि जो भी एक्सेस ऑयल हो वो एब्सॉर्ब हो जाए। और ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारे उल्टा वड़ा पाव को बनाकर रेडी करना है। तो कैसी लगी आपको ये उल्टा वड़ा पाव और रगड़ा की रेसिपी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।